भाई अगर आप गुरु पूर्णिमा मेला के आसपास जा रहे हो तो भाई देख के जाना, पता करके जाना, क्योंकि भीड़ नेक्स्ट लेवल है। बता रहे थे कि इन 5 दिनों के मेले में करीब 1 करोड़ श्रद्धालु। भाई ऐसे रोड्स पे गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत है, ज्यादातर बंदे ना फुल बीम पे आ रहे हैं। देखो अब हमें भी फुल बीम चलानी है, अब इनको फर्क भी नहीं पड़ रहा। देखो देखना आगे वाला ऑटो दिख रहा है, अब फुल बीम करोगे तो दिख रहा है, और इसमें बंदे बैठे हैं कितने ज्यादा, देख रहे हो, कोई लाइट नहीं है पीछे। भाई मस्त सी चाय ले ली है और इतनी भीड़ इस ढाबे पे आज तक नहीं देखी है। कि क्या खतरनाक मून लग रहा है, देखो पूरी गाड़ी लद्दाख बन गई है भाई, लद्दाख लद्दाख लद्दाख। पहले तो बहुत ही भयानक होता था, रात को बंदे जाते नहीं थे इस रूट से। भाई गुरु पूर्णिमा मेले में अगर आप परिक्रमा करने आओगे तो आपको ऐसी भीड़ मिलेगी, देखो पेड़े ले लिए हैं, अपना काम हो गया है, दोनों परिक्रमा संपूर्ण 4.5 घंटे में अच्छे से, बस अब ये भीड़ में से निकलना है। Much, much, much later. भाई फाइनली पहुंच गए हैं 9:30 बजे गाड़ी की पार्किंग में, और कहते हैं ना भाई कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, प्रूव हो गया। हमें पहले लग रहा था कि हम जल्दी क्यों पहुंच गए हैं आज परिक्रमा करने, बट अब पता लगा कि भाई जल्दी पहुंचे तो बहुत सही पहुंचे, क्योंकि अब वो मेला चल रहा है जिसकी वजह से अगले 2 दिन बहुत भयंकर भीड़ होने वाली है, और अभी शुरू हो गई थी, आपको वीडियो में देख ही लेना आप लोग। सही किया हमने गर्मी में परिक्रमा कर ली। जो अभी मंजर है भाई, जो अभी लोग हैं, ओहो मतलब सैलाब चल रहा है लोगों का, इतने लोग हैं। तो भाई बस बहुत थक गए गर्मी में बहुत ज़्यादा, अब यहाँ से निकलते हैं और घर का डेस्टिनेशन लगाते हैं। 3-3.5 घंटे लगेंगे अपने को यहाँ से, तो अब बस एक ब्रेक लेंगे, वॉशरूम ब्रेक बीच में और टी ब्रेक, और सीधा घर लगाएंगे गाड़ी। आज जितनी मेहनत पिछले 13 सालों में शायद ही कभी हुई हो, जितना मुझे याद हो, जब से मैं आ रहा हूँ 2010 से। क्यों भाई, सही बात। आज अलग लेवल था भाई, आज अलग लेवल था, गर्मी का भी और भीड़ का भी। तो अगर आप ऐसे टाइम में आ रहे हो ना जब ये मेला लगता है, गुरु पूर्णिमा का मेला लगता है 5 दिन का, तो भाई देख के सोच समझ के आना। हमें तो पता नहीं था, हमें तो भाई राधे ने बुला लिया तो हम आ गए, हमें पता होता तो हम इतनी भीड़ में नहीं आते, बट फाइनली अपने अच्छे से हो गए दर्शन भी परिक्रमा भी। अब घर की तरफ निकलते हैं, अब एसी में बैठ के आराम मिला है, अब नहा के मिलेगा आराम। भाई लोग कम नहीं हो रहे बिल्कुल भी, इतनी एक्सट्रीम लेवल की भीड़ है कि भाई, और अभी तो आएंगे 11:30 बजे तक आएंगे लोग, रात को परिक्रमा करते हैं ना गर्मी में। तो भाई फाइनली अपन यहाँ से निकले बैरिकेडिंग से, ये यहाँ से जो लेफ्ट रूट जा रहा है ना, ये गोवर वहाँ जा रहा है बरसाना जी, सब देखने कुछ, और हम चलते हैं सीधे। कहते हैं पुण्य मिलता है भाई, पुण्य मिलता है। चलो यहाँ से बढ़ते हैं भाई छाता की तरफ, और फिर वहाँ से अपने नेशनल हाईवे 44 पे मिल जाएंगे। दिख रहा है अब फुल बीम करोगे तो दिख रहा है, और इसमें बंदे बैठे हैं कितने ज्यादा, देख रहे हो, कोई लाइट नहीं है पीछे एक छोटी सी भी, यार अलग ही हाल है भाई। और ऐसे 2-way रोड पे तो बहुत ही दिक्कत होती है, 2-way बोलते हैं कि बंदे बोलते हैं पता नहीं, जो भी है इसको ओवरटेक कर लेते हैं। और भाई फुल बीम पे आओगे तो हम भी फुल बीम पे चलेंगे, इज्जत दोगे तो
इज्जत तुम्हें भी। ये देखो फुल भी मारे हैं, इनको पता ही नहीं लग रहा टांगे पता नहीं लग रही मेरे तो ठीक है, पैर पैर से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो गर्मी लगी बस, मेन जो लगा ना एक्सट्रीम लेवल की गर्मी। ज्यादातर बंदे ना फुल बीम पे आ रहे हैं, देखो अब हमें भी फुल बीम चलानी है। अब इनको फर्क भी नहीं पड़ रहा, देखो इनको अभी तक पता नहीं लगा ये फुल बीम पे चल रहे हैं। ज्यादातर 90% ऐसे ही हैं पुरानी, और है ये 6-6.5 किलोमीटर, फिर तो हाईवे पे मिल जाएंगे भाई। तू तो कर ले, ये समझदार निकला भाई एक बंदा, इसने कर ली थी। हाँ वो भी ठीक है, एक आधे बंदे मिल रहे हैं भाई ठीक ठाक भी। ये लो देखा, अरे बीच बीच में क्या कर रहा है, तुझे भी नहीं मिलेगी इज्जत। क्या बोला तूने? बहुत मुश्किल है भाई इस रोड पे गाड़ी चलानी ऐसे पे रात को, कहाँ घुसेगा भाई, एकदम से आ जाते हैं यार गायें और कुत्ते बहुत है भाई यहाँ। लो जी भाई पहुंच गए हैं NH 44 पे, अब बढ़िया रोड्स मिलेंगे मस्त। अब कोसी क्रॉस करके ना चाय का एक ब्रेक लेते हैं, वॉशरूम ब्रेक लेते हैं, और फिर सीधे घर की तरफ खींच देंगे, कोई ब्रेक नहीं लेंगे। और फरीदाबाद से जाएंगे, इस टाइम तो ट्रैफिक मिलेगा नहीं अपने को, तो सीधे खींचते हुए निकलेंगे। हाँ जितना मिलना था परिक्रमा मार्ग पे मिल गया हमको ट्रैफिक, अब एकदम सूटम सेट जाना है अपने को। भाई मस्त सी चाय ले ली है, और इतनी भीड़ इस ढाबे पे आज तक नहीं देखी है कि बैठने की जगह नहीं है, पार्किंग भी अंदर तक फुल है बिल्कुल। तो कुछ खाना वाना नहीं खा रहे हैं, बस चाय पी रहे हैं और निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। 2 घंटे लगेंगे यहाँ से एग्जैक्ट, और भाई ताबड़ तोड़ भीड़ है अंदर बाहर सब जगह भरे हुए हैं लोग और गाड़ियाँ, कमाल भीड़ है भाई। A few moments later. चलो भाई निकल लिए चाय पी के, बिल्कुल टाइम नहीं लगा है, 10 मिनट लगे होंगे हार्डली अपने। ढाबे पे वैसे भी बैठने की भी जगह नहीं थी, इतना फुल है और सारे ढाबे फुल हैं भाई। अब खींचते हैं गाड़ी यहाँ से एग्जैक्ट 100 किलोमीटर्स, और 2 घंटे लगेंगे। तो चलते हैं अपने कॉलेज के आगे से जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली फरीदाबाद होते हुए, तो करते हैं कंटिन्यू। एसी वेसी चलाओ मस्त और गाड़ी दौड़ाओ अब घर के लिए। तो करना खड़ी, और रोड पे भी बहुत ट्रैफिक है आज। आज सैटरडे भी है, शनिदेव परिक्रमा भी करने आते हैं ना लोग सैटरडे को, लिटरली बहुत भीड़ है भाई आज। और ये पलवल बस अब स्टार्ट ही हो गया, और यहाँ फ्लाईओवर चालू हो गया तो कोई जाम नहीं लगेगा, वरना तो यहाँ बहुत जाम लगता था भाई। क्या खतरनाक मून लग रहा है, देखो कैसे लग रहे हैं क्लाउड। एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुक गए भाई, बस स्ट्रेचिंग कर ले 2 मिनट की, और फिर सीधे घर ही रुकेंगे। अभी 1.25 घंटा बता रहा है, तो लग जाएगा 1.25 घंटा, बिल्कुल खींचम खेच चल रहा है तगड़ी स्पीड में। चलो
चलते हैं बस। कॉलेज के आगे से चलेंगे, मेरे ख्याल में हम अपने कॉलेज की साइड तभी आते हैं जब हम परिक्रमा करने आते हैं। सूरज कुंड ये आ गया भाई एंट्रेंस अपने कॉलेज का, मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब तो नाम हम बदल के थोड़ा और अंग्रेजी सा कर दिया ना। ये रहा, सही थी भाई, ये टाइम भी सही था। वो ऑफ रोडिंग हो रही है भाई यहाँ तो, पूरी बहुत ही डीप गड्ढे हैं भाई, बहुत डीप गड्ढे हैं, पूरी गाड़ी लद्दाख बन गई है भाई। लद्दाख 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 कुछ भी कुछ भी। वेलकम टू दिल्ली, 11:58 भाई, 12 बजे दिल्ली एंटर कर लिया है, बस आधा घंटा रह गया घर। अपने वही कॉलेज वाले रूट से जा रहे हैं, शूटिंग रेंज से। मस्त सा रूट है ये, अब तो लाइट्स वाइट्स लग गई, पहले तो बहुत ही भयानक होता था, रात को बंदे जाते नहीं थे इस रूट से, अब तो ट्रैफिक वगैरह जाने लग गया है। भाई ये मेहरौली बदरपुर रोड का इलाज नहीं हुआ है यार, बताओ। रात को 12 बजे भी जाम लगा हुआ है, रात को 12 बजे भी जाम है। ये देवली गांव है ना इधर लेफ्ट में, अब वही साल वो 14 साल 15 साल से यही हाल है इस रोड का, पता नहीं कब हुआ ठीक। Much later तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं अपने घर, अभी टाइम हुआ है एग्जैक्ट 12:40 और भाई बहुत ताबड़तोड़ ये अपनी यात्रा रही है 12 घंटे की ऑलमोस्ट। भाई जो आज अपने को भीड़ मिली है परिक्रमा में, आज तक हमने नहीं देखी थी क्योंकि हम गुरु पूर्णिमा मेले के टाइम कभी नहीं गए थे और हमें इस बार भी नहीं पता था कि मेला है। भाई अगर आप गुरु पूर्णिमा मेला के आसपास जा रहे हो तो भाई देख के जाना, पता करके जाना, क्योंकि भीड़ नेक्स्ट लेवल है। अभी जो हमने भीड़ देखी थी वो तो कुछ भी नहीं थी, जो बंदे बता रहे थे, जो हमने उनसे बात करी, दो चार बंदों से पूछा तो वो कह रहे थे इतनी भीड़ हो जाएगी 11 बजे के बाद कि आपको रोड नहीं दिखाई देगा, और बता रहे थे कि इन 5 दिनों के मेले में करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं ये परिक्रमा करने। तो भाई बहुत भयंकर भीड़ थी और इतनी ज्यादा गर्मी, ह्यूमिडिटी, मैं 2010 से परिक्रमा करते हुए आ रहा हूँ, इतनी गर्मी मुझे शायद ही कभी लगी हो। तो बहुत टफ थी आज की परिक्रमा, पूरी बॉडी का टेस्ट हो गया, बट भाई मजा उतना ही आया और अच्छे से अपन ने बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा दोनों कर ली और सेफली घर पहुंच गए हैं। अब बस शावर लेंगे और मजे से सो जाएंगे। तो अचानक से भाई ये प्लान बन गया था, अपने और भी 2-3 फ्रेंड साथ चलने थे बट थोड़ा डेट में कम्युनिकेशन गैप रह गया तो वो नहीं आ पाए। तो
फिलहाल तो बस इस वीडियो को अब एंड कर देते हैं, करेंगे भाई इनकी एडिटिंग धीरे धीरे, जल्दी कर देंगे। कोई भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और देखते हैं अब नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की बनेगी। फिलहाल तो चलते हैं ऊपर और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, साइनिंग ऑफ। जय माता दी।